देखिए, ये आज सुबह मैंने टीवी पे देखा तो मैंने फ़ोन किया अपने घर पे। बड़े भाई से हमारी बात हुई और आशीष से भी मेरी बात हुई। उसने कहीं भी किसी के ऊपर पिस्तौल नहीं ताना है। ये सच्चाई, सच्ची घटना ये है कि वह होटल से निकला, उसकी एक दोस्त थी, वो टॉयलेट की तरफ गई और टॉयलेट में एक लड़का और एक लड़की पहले से थे, जिसे देखकर वो चिल्लाई और उसके बाद वो उतर के उसकी सेफ्टी के लिए गया और वहाँ पर उसकी बातकहनी हुई। जब वो गाड़ी में बैठ गया तो उसको धमकी दी गई। दूसरा पक्ष जो है वह कांग्रेस के पूर्व विधायक गौरव सिंह तंवर का लड़का है। उसका नाम कहीं मीडिया में उस तरह से नहीं दे रहे हैं, वो लोग वहीं के लोकल हैं। और उन्होंने जब धमकी दी कि तुम कहा कि हम तुमको देख लेंगे, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि हम लखनऊ के हैं, लखनऊ में आके हमको देख लेना। और उसने, चूँकि वह अपनी गाड़ी में अकेला था, इसलिए वह पिस्तल उसने उठाई अपने कमर में खोसने के लिए और वह लिए रह गया। ना तो उसने किसी की तरफ ताना है और ना तो कोई मौखिक धमकी उसने किसी को दिया है। ये बात कहना बिल्कुल गलत है। इस बात को केवल कुछ लोगों ने तूल पकड़ा करके हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर हयात होटल के उस कैमरे में आशीष का कोई भी इस तरह का धमकी का फुटेज मिल जाए तो मैं ये पक्के तौर पे कहता हूँ कि वह कानून की जो सज़ा होगी वो भुगतने के लिए तैयार है। वो कोई भगोड़ा नहीं है, वो कल ही अपने वकीलों के माध्यम से पहुँचेगा। अभी तक कोई पुलिस की नोटिस हम लोगों को नहीं मिली और ना तो किसी ने अभी तक FIR